वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसमें क्या पढ़ना है, भिन्नों बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, आवर्ती है, आवर्ती शांत है या अनावर्ती अशांत दशमलव। इसकी हमने परिभाषा आप लोगों को पहले लिखा रखी है। वे संख्याएं जिनमें भाग देने पर पूर्ण रूप से क्या हो जाती हैं, कट जाती हैं या विभाजित हो जाती हैं, उन्हें क्या होते हैं, अशांत आवर्त कहते हैं। जब जो पूर्ण रूप से विभाजित होने के बाद उनमें भाग बार बार जाता रहता है, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं, अशांत आवर्ती कहलाती हैं, है ना। तो चलो हम पहले कुछ प्रश्नों के दिए हुए हैं, ये प्रश्न है। प्रश्नों में से पहला प्रश्न हम हल करेंगे, पहला और तीसरा हल कर, दो प्रश्न हम हल कर देंगे, बाकी आप लोगों को हल करना है। 36/100 में हम 100 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.36 आंसर आ जाएगा, 0.36 इसी 0.36। तो ये क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ना। सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करने पर हमें क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा 0.36। सॉल्यूशन में 0.36 प्राप्त होगा। तो ये पूरा पूरा 100 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए क्या है, 7.5% है, ठीक 7.5% है। अब प्रश्न क्रमांक पहले का तीसरा नंबर ले लेते हैं, तीसरा कठिन है, बाकी ऐसे ही हैं सेम। तो तीसरे में क्या करेंगे, इसका सही बटा तोड़ेंगे, सही बटा तोड़ने के बाद फिर हल करेंगे। सही बटा तोड़ते हैं, देखो 4 का क्या करेंगे, 8 का गुणा करके 4 में करेंगे, 4 का गुणा 8 का गुणा 4 में करने के बाद फिर 1 में जोड़ देंगे, 8 आ जाएगा। 33/8 में क्या करेंगे, हम 8 का भाग करेंगे, भाग करने के बाद क्या होगा, देखेंगे कौन सी संख्या कितनी है। तो हम 8 का भाग जैसे करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0.099, यानी जितनी भी बार आप भाग करेंगे, जितनी भी बार भाग करेंगे क्या हो जाता जाएगा, संख्याएं आती जाएंगी, जितनी भी बार भाग करेंगे, भाग करने पर संख्याएं आती जाएंगी। अब भाग करें, कितनी भी बार आप भाग करेंगे, 9 करके संख्याएं आती जाएंगी। दूसरा नंबर है ये है, यहाँ पे इसमें क्या आएगा, 0.99 करके संख्याएं आती जाएंगी। अतः ये अशांत क्या है, अशांत अनवास अशांत क्या है, ये अशांत अनासानी आवर्ती दशमलव प्रसार है, ठीक। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक दो की चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक दो क्या कहता है, आप जानते हैं कि इस 1/7 बराबर क्या होता है, 1/7 यानी कि 1 में 7 का जब हम भाग देते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 0.142857 और क्लोजर यानी कि लगभग अभी जाता रहेगा, क्लोजर यानी बार लगा हुआ है, ऊपर एक डैश बल्कि ऐसी संख्या लिखी हुई है, ये डैश बना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ से पूरा क्लोजर लगा है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं, यदि हाँ तो कैसे, ये दशमलव प्रसार क्या, यदि हाँ तो कैसे। इसको नंबर एक लेंगे, 1/7 का तो दिया हुआ है, अब 2/7 में हम क्या करेंगे, 2 को पहले ले लेंगे, 2 को लेने के बाद फिर क्या करना है, 2 को जैसे लेते हैं, 2 को 2/7 लिए, 2/7 में 2 का गुणा 2×1/7, हम 2 को ले सकते हैं, 2/7 को क्या ले सकते हैं, 2×1/7, 2×1/7 लिख दिए। इसको लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, 1/7 का वैल्यू रख देंगे, 1/7 का वैल्यू लिख के 2 का गुणा कर देंगे, तो इस प्रकार से आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये 2/7 इसे हम लिख सकते हैं, 2×1/7, 1/7 की वैल्यू रख देंगे और ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। आंसर प्राप्त होते ही जस्ट तुरंत इसी प्रकार हम 3/7 को हल करेंगे, ये 3/7 लिखा है, 3/7 3×1/7 लिख देंगे, 1/7 का वैल्यू रख देंगे, 1/7 की वैल्यू रखे और 3 का गुणा कर दिए, 3 का गुणा करने पे आंसर आ गया। सेम इसी प्रकार 4/7 को लिखेंगे, 5/7 का हल करेंगे, 6/7 का हल। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित में को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q, जहाँ P और
क्यूब, यहाँ पी और क्यूब पूर्णांक हैं तथा क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो है, क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो है। हम इसको हल करेंगे, इसको हल करने के लिए क्या है, ये संख्याएं दी हैं, इन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिखना है, कह सकते हैं पी बटे क्यू के रूप में, यानी कि सही बटे बटे के रूप में लिखना है। तो 0.6 की क्लोजर यानी 0.6 का क्लोजर, क्लोजर यानी 0.6 की पावर ऊपर क्या लगा बना हुआ है, बार बार लगा है, ये लगभग 6 क्या है, बार बार आ रहा है इसलिए ऊपर बार लगा दिए, इसे क्लोजर बोलते हैं। दूसरे में भी है 0.4, 4 में नहीं है, 7 में बार है, ठीक है, 7 में क्लोजर लगा हुआ। फिर तीसरे में है 0.001 का क्लोजर, यानी कि यहाँ पे 0.0 भी लगा हुआ है और 1 में क्लोजर। इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ले लेते हैं माना कि एक्स बराबर 0.6 का क्लोजर, माना एक्स बराबर सॉल्यूशन में माना एक्स बराबर 0.6, समीकरण एक दे देते हैं। और समीकरण एक में 10 का गुणा करने पर, दोनों समीकरण एक के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, समीकरण एक क्या है, समीकरण एक के दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, 10 गुणे एक्स बराबर क्या देगा, 10 गुणे एक्स बराबर क्या है, 10 गुणे एक्स बराबर 10, 0.6 गुणे 10 है ना, ये आ जाएगा। अब इसका आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.6 का क्लोजर, यानी ये 6 का क्लोजर इसलिए है क्योंकि इसका क्लोजर है, यहाँ पे ये क्लोजर है, यानी लगभग बार बार आता जा रहा है, तो ये 6.6 हो गया क्लोजर, यानी कि अभी और जा रहा है ना। नेक्स्ट है 10वां नंबर, इसलिए अब समीकरण दो में समीकरण एक को घटाने पर, समीकरण दो में ये समीकरण दिए दो है, इसमें समीकरण एक को घटा देंगे, समीकरण दो में समीकरण एक को घटाने पर समीकरण दो ले लेते हैं, समीकरण एक घटा देते हैं, तो ये समीकरण दो है और समीकरण दो में हमने समीकरण एक को घटा दिया, तो समीकरण एक को जैसे घटाते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 9x प्राप्त हो जाएगा, 9x बराबर 0, यहाँ 6 में से 6 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 6 मतलब जितने पीछे 6 थे सब चले गए, क्या बचा 0, और यहाँ पे 0 तो 6 आ जाएगा, 9x बराबर 6, और x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 6 बटे 9, इस प्रकार हमें क्या प्राप्त करना था, 6 बटे 9 प्राप्त करना था, तो x की वैल्यू हमें निकला है 6 बटे 9, यानी कि p बटे q के रूप में आ गया, ये p बटे q के फॉर्म में आ गया है ना। ठीक इसी प्रकार अन्य दोनों तीन को हल करेंगे, दो नंबर और तीन नंबर इसी प्रकार हल करने हैं, सेम ऐसे ही मान लेना है, मान रखने के बाद क्या करना है, समीकरण दो में दोनों तरफ 10 का गुणा करेंगे। फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि देखो 4 में नहीं लगा, 7 में क्लोजर लगा हुआ, 7 में क्लोजर लगा इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें पहले 10 का गुणा करेंगे, 10 के बाद फिर 100 का गुणा करना पड़ेगा। समीकरण पुनः समीकरण एक में दोनों पर 100 से गुणा करने पर 1, 2, 3 हो गए, 3 हो गए, अब 100 का गुणा कर लिए दोनों तरफ, अब क्या करेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटा देंगे है ना, घटा देंगे 99 वो 90 बचेगा, 90 और 43, तो एक्स का मान निकालेंगे इसी में से, जैसे अभी पीछे निकाले हैं एक्स मान निकाल के 43/90 लिख देंगे, इसलिए एक्स क्या आ गया 0.47 का क्लोजर, वो पी बटे क्यू के फॉर्म में आ गया, जिसे लिखेंगे 43/90। सेम ऐसे प्रोसेस नेक्स्ट वाले में करनी है, नेक्स्ट वाले में करने के लिए क्या करेंगे, ये सॉल्व लिखा हुआ है, माना कि एक्स बराबर 0.0001 क्लोजर रखा है, समीकरण एक के दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, और एक को तो सॉरी दोनों तरफ 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3 में तीन अंकों में क्लोजर लगा, यदि एक अंक में लगा होता है तो 10 से दो अंक में लगा है, तो 100 से तीन अंक में लगा है, तो फिर से करेंगे 1000 से ऐसे बढ़ते जाएंगे, फिर समीकरण में कर देंगे 1000 का यहाँ पे क्लोजर लगा रहेगा, क्लोजर बढ़ जाएगा, समीकरण में समीकरण एक को घटाने पर घटा देंगे, फिर यहाँ से वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, समीकरण एक के दोनों तरफ 100 से 1000 से गुणा करने पर 1000 का गुणा कर दिए, यहाँ पे क्लोजर लगा रहेगा वही सेम, ये वाला क्लोजर यानी बार लगा है। समीकरण दो में समीकरण एक को घटाने पर समीकरण दो में यानी 1000 माइनस ये वाला एक्स, फिर ये वाला ये वाली संख्या, फिर माइनस में ये वाली संख्या रख दिए, फिर यहाँ पे 999x = 1, एक्स बराबर 1/999, इसलिए 0.001 का क्लोजर बराबर 1/999, ये आंसर।